बसीन साहब सुस्वागतम, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, पहले तो बाजार पर आउटलुक 17,700 भी आ गया अब तो, और अपडेट्स भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, क्या कहूँ आपको और सुमित बगड़िया को, कहिए लव यू और आपको भी। और देखिए, आदमी वो तो जैसे कहते ना, बंदा होता है जिसको खड़ा होना था 17,500 पे कहने को कि 17,700 अगले दिन आ जाएगा, जब 17,300 के लिए सब चैनल बोल रहे थे, वो बंदा होता है। अब 17,700 में सारे बच्चे बच्चे आ गए हैं या नहीं है सर? 100% 17,700 कहा था या नहीं कहा था? बहुत ही जल्द एक्सपायरी, कल ही बात हुई थी, आपने कहा भी था कि 17,700 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। अब तो बिल्कुल वो लेवल तो आपके आ गए, 100% आ गए, और बहुत मजबूती के साथ है जी। देख लीजिए, 50 रुपए सुमित बगड़िया ने 50 रुपए कर दिया IDFC फर्स्ट, और उसके डायलॉग मुझे याद है, कहा है एनएल जी मंदी, और RBL बैंक 128 रुपए। तो आप कहें तो जरा, दो मैंने लाइनें, छोटी सी पंक्तियां लिखी है, मैं ज्यादा लिखता नहीं लेकिन ये लिखी है, आप कहें तो वो शुरू करूं फिर करूं आगे। ये किसके, तो अंदाज थोड़ा अलग सा करते हैं। ये किसके लिए, बाजार के लिए है, सुमित जी के लिए है, मेरे लिए? ये सर, ये तेजी वालों के लिए है, बंदे है जो ये चूचे पूचे हैं उनके लिए नहीं है, ये बंदों के लिए है। इरशाद, इरशाद फरमाए सर, इरशाद। तो अरे जी, कमाल का है ये बंदा, कमाल का है ये बंदा, को कर दिया चंगा। आप राकेश बंसल से पूछोगे किस तरह चंगा करते हैं, जिसको जिनको धोखा होता है उनको चंगा करना पड़ता है, उनको ठीक करना पड़ता है। ओके, कमाल का है ये बंदा, मंदी वालों को कर दिया चंगा। इन्वेस्टर्स बजाओ ताली, FI को याद करा दी नानी। बहुत ही बढ़िया है, नहीं है 100% है आदमी में और बगड़िया, सुमित बगड़िया में। सुमित, तो देखिए, मैंने पहले भी कहा शक्ल सूरत पे मत जाइए, सूरतें बहुत अच्छी लगती हैं कहने को एंकर की, लेकिन वो पैसा नहीं कमाती। मैं सूरत नहीं दिखाता लेकिन पैसा कमाता हूँ मैं अनिल जी। बहुत ही जबरदस्त क्या बात है, बसीन साहब फुल फॉर्म में बजा गया, और ये प्रयास आपका जो था बसीन साहब, काबिले तारीफ है, जबरदस्त, कमाल का है ये बंदा, मंदी करने वालों को कर दिया चंगा, जोर से बजाओ ताली, FIs को याद आ गई नानी, नानी याद हो गया। हालांकि सुमित जी बहुत पसंद कर रहे हैं, सुमित जी आपसे सब लोग इंस्पायर हो रहे हैं, जैसे आप बसीन साहब से इंस्पायर हुए हो जी। सर बहुत बढ़िया, बताएं सर अब आपकी तरफ से आउटलुक और साथ ही अपडेट्स भी। So, Anil ji, as a disclosure, this is just meant as a light moment, not offense to anybody. If it has been done, it is in advance. ठीक बात है, बिल्कुल जी। अपडेट, कल आपको वेदांता कहा था 73.5 बिक गया, IRCTC कल आपको 1:30 बजे 702 पे कहा था 728 बिक गया, आइडिया कोई हाथ नहीं लगा रहा था 8:30 वाला 9:30 करा दिया, और बता दूं IDFC फर्स्ट, RBL बैंक, अशोक लीलैंड 52 रुपए बिक गया, गेल 34.5, SBI लाइफ, ICICI प्रू, HDFC लाइफ। आप बताइए, हर एक में सौदा में पैदा है। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल परफेक्ट, बताएं सर आज की फ्रेश 3 पिक्स जी। मेरा टॉप पिक बॉश, अनक्वेश्चनेबली 18,000 का टारगेट, 16,900 का स्टॉप लॉस, आप 17,000 ही कर लीजिए स्टॉप लॉस, 18,000 से कम मत बेचना बॉश को। दूसरा पिक UPL, UPL is headed to 820, keep a stop loss of today's low 7761. Third pick, मैं कह रहा हूँ IT में जो आउट परफॉर्म करेगा ये सब मंदी वंदी वाले भूल जाएंगे, 450 का पहले टारगेट है विप्रो का, 409 रुपए का स्टॉप लॉस, विप्रो, UPL एंड बॉश विल आउट परफॉर्म दीज मार्केट। आपके लिए राय तीनों स्टॉक में आती हुई दिख रही, तो पहले तो 17,500 के आसपास बॉश है, 17,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 18,000 का टारगेट, और 780-78 के आसपास है UPL, 761 का स्टॉप लॉस है और 820 का टारगेट है, विप्रो खरीदना है आपको 409 के स्टॉप लॉस के साथ 450 के टारगेट के लिए। 3 बेहतरीन स्टॉक बसीन साहब की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये 3 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। 1:30 बजे और 2:45 बजे आप फिर मुलाकात कर सकते हैं बसीन साहब से, सिर्फ जी बिजनेस पर, आपके लिए फिर से डायरेक्शन आउटलुक बेहतरीन पिक्स बसीन साहब की तरफ से।